प्रसिद्ध समाज सेवी मधुमंगल शुक्ला ने समाचार 24 से बातचीत में यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाकर भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करेंगे। जी, वृक्षों के साथ जो इतने पुराने वृक्ष हैं उनको एकदम से काट दिया गया, सैकड़ों की संख्या में वृक्षों का विनाश कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इसमें? हमारे जो वृंदावन है उसकी प्राचीन संस्कृति का वो सत्यानाश किया जा रहा है। मेरे हाथ में जो वाणी जी हैं, ये श्री श्री हरिराम व्यास जी महाराज की वाणी है और इस वाणी में लिखा है, वृंदावन के रूख हमारे मातृ पिता सुत बंधु। रूख माने वृक्ष, वृंदावन की ये जो लता पता है ये हमारे माता पिता सुत और बंधु हैं। ये मात्र वृक्षों को नहीं काटा गया है, ये ऋषि मुनि संतों को, हमारे माता पिता इन सब पे आरा चलाया गया है ये लैंड माफियाओं के द्वारा। उसमें देखा जा रहा है कि काफी मोर जो कि अपने जो है राष्ट्रीय पक्षी भी जिसको कहा जाता है उसको भी जो है मारा गया और साथ साथ कई सर्पों का भी विनाश कर दिया गया। श्री व्यास जी की वाणी में एक पद है, किशोरी मोहे अपनी कर लीजे और दिए कछु भावत नाही श्री वृंदावन रज लीजे, खग मृग पशु पंछी या बन के वृंदावन के चरण शरण रख लीजे। सबका विनाश सबका सत्यानाश हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पर भूमाफियाओं का पूरे मथुरा जिले में नंगना चल रहा है और हमारा जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल मौन बैठा है। पक्ष का पावन समय चल रहा है जहाँ पे लोग बाग परोपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, लोग बाग हर तरह का दान कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह पेड़ों को और पशु पक्षियों को जो है मारना, वो भी रात्रि के समय विश्राम के समय, कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ विश्राम करते हैं, उनको छूना भी नहीं चाहिए, इस तरह का कार्य करने के लिए किस तरह का उन्हें दंड मिलना चाहिए? हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने ब्रज के लिए बनाया है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और उसके हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं माननीय शैलजा कांत जी मिश्रा, रिटायर्ड एडी जी। हमने कम से कम 50 फोन लगाए उनको, 50 निवेदन किया लेकिन हमारा फोन तक नहीं उठा। वो हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। जब घर का मालिक ही हमारी नहीं सुन रहा है तो हम क्या करेंगे आप बताइए? क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, समय समय पर आपने इस ब्रज वसुंधरा को बचाने के लिए काफी प्रयास करे, आगामी आपके क्या प्रयास रहेंगे इसमें? 2010 में जस्टिस अरुण टंडन और इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस 13 जुलाई 2010 को अंटिल फर्दर ओवर मतलब पेड़ काटने पर वृंदावन में ब्रज में मथुरा जिले में आज भी रोक है, लेकिन ये सब हो गया, इसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले रहे हैं।